दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम एक वीडियो रिलीव कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी आएगी, लेकिन वीडियो को देखना ना भूलें। वीडियो के अंदर जो सवाल जवाब आएंगे वो तो सच्चाई के आएंगे। अरे किस बात कर रहे हैं, अब आएगी। जैसे कि आज देखा जा रहा है दीपावली करीब आने जा रही है। इस दीपावली के अवसर में हम कुछ शब्द कह रहे हैं जो भगवान हमें दे रहा है, वो हम जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है कि दिवाली का दिया तो जरूर जलाना, लेकिन पटाखे नहीं पटकाना, क्योंकि पटाखे के अंदर में बारूद इस तरीके से होता है कि शरीर को ब्लास्ट कर देता है। इसीलिए हम नहीं चाहते किसी का ब्लास्ट हो जाए, कोई मरे हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सब लोग जीवित रहें। जीवित रहेंगे कम से कम दुआ सलाम तो करेंगे। ये जो सच्चाइयाँ परमात्मा हमें दे रहे हैं वही हम आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। पटाखे के अंदर बारूद होता है, जब बारूद पटकता है तो उसमें से धुआं निकलता है, उसको बोलते हैं प्रदूषण। प्रदूषण यदि आंखों की तरफ दौड़ता है तो आंखों को ओझल कर देगा, अंधा कर देगा। इसीलिए हम नहीं चाहते किसी की आंखें चली जाएं। सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपने अपने बच्चों को समझा बुझा करके रखें और पटाखों से दूर रखें। अभी दो रोज पहले की बात है, पटाखों के विषय में ही हुई लड़ाई, बच्चे की याददाश्त खत्म हो गई। आज भी वो हॉस्पिटल में है, कुछ याद नहीं, उसकी याददाश्त खत्म है बेचारे की। मैं तो ये चाहूँगा भगवान उसके याददाश्त को वापसी लौटाए और आगे कोई भी बच्चा पटाखा ना पटकाए। कोई भी बच्चा पटाखा पटकाता नजर आता है तो उसको पकड़ लिया जाए, उसके घर पे शिकायत की जाए, परंतु पटाखा नहीं पटकाया जाए। दिवाली आती है, दिवाला निकाल कर जाती है। इसीलिए दोस्तों दिवाली दिवाली होनी चाहिए, दिवाला नहीं होना चाहिए। दिवाली मनाओ, खुशियों का त्यौहार होता है। मिठाइयाँ, फूल, दूध, खाने पीने के लिए घी, मक्खन, बहुत कुछ चीज़ भगवान ने बना रखी है। इन चीज़ों का सेवन करो, गलत कार्य नहीं करने चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जीवों पर दया करो, जीव हत्या ना करो। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, यदि आप अपने सब बच्चों को लोग समझा करके रखोगे, बुझा करके रखोगे, डांट डपट के रखोगे तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम हमारी बातों का पालन किया जा रहा है और सभी लोग समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, अनपढ़ नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे अब तो खुद समझदार हैं। लेकिन इस समझदारी को ना समझ में ना बदलें, समझदारी को समझदारी ही बनाए रखें। अपने बच्चों को समझा बुझा करके रखें, घर से बाहर ना निकलने दें, इधर उधर आवारा ना घूमने दें। साफ सफाई के विषय में जानकारी ये दी जा रही है, अपने आसपास में पानी इकट्ठा ना होने दें, कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, सफाई बेहतरीन तरीके से रखें, क्योंकि मच्छर मक्खी मच्छर के काटने से बीमारी पैदा होती है, बुखार का लक्षण बन जाता है। इसीलिए अपने आसपास में सफाई रखनी है, सफाई अभियान जारी है, यही इच्छा हमारी है। भक्तों का कहना है सदा सुखी रहना है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भारतवीर के बोल याद आएंगे मरने के बाद भी। जय हिंद, जय भारत।